मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। आज हम अपना ग्रामर का लेसन 6 स्टार्ट करने वाले हैं, द नाउन नंबर एंड जेंडर। ठीक है, नाउन के नंबर के बारे में पता करेंगे और जेंडर के बारे में। नंबर मतलब सिंगुलर प्लूरल, कोई चीज सिंगुलर है प्लूरल है ये आते हैं नंबर्स में। जेंडर मतलब मैस्कुलिन या फेमिनिन। नाउन विच स्टैंड फॉर ओनली वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी द सिंगुलर नंबर। एग्जाम्पल गर्ल, मैन, चाइल्ड, लायन, टेबल, फ्लावर एटसेट्रा। ठीक है, जिस नाउन को आपको पता लगे कि एक ही पर्सन या एक ही चीज की बात हो रही है तो वो सिंगुलर नंबर है या सिंगुलर नाउन कहलाते हैं। जैसे कि एक गर्ल, मैन, चाइल्ड, लायन, टेबल, फ्लावर एटसेट्रा। A noun which stands for more than one person or thing is said to be in the plural number. ठीक है, noun which stands for more than one person, जब भी कोई noun एक से ज्यादा चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो वो plural कहलाता है। ठीक है, जैसे कि girls, men, children, lions, flowers, आप देख रहे होंगे difference। गर्ल का गर्ल्स हो गया, यहाँ ऐसा आएगा। मैन का मैन हो गया, चाइल्ड का चिल्ड्रन, लायन का लायंस। ठीक है, टेबल का टेबल्स हो जाएगा, फ्लावर का फ्लावर्स हो जाएगा। हाउ टू फॉर्म प्लूरल, आप देखिए प्लूरल बनाते कैसे हैं, सिंगुलर से प्लूरल। ठीक है, मोस्ट नाउन फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस इन द एंड। ज्यादातर जो नाउन होते हैं वो अपने सिंगुलर वर्ड के पीछे एस लगा लेते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे कि बी, बीज, cow, cows, balloon, balloons, finger, fingers, cake, cakes, flower, flowers, bag, bags, horse, horses. ठीक है, अब देखिए कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं। Nouns that ends in ch, sh, s, double s और x फॉर्म द प्लूरल्स बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। अब देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर में उनकी स्पेलिंग के पीछे लास्ट में या तो सी एच आता है या एस एच आता है, एस आता है, डबल एस आता है या एक्स आता है, तो उसमें जब उनका प्लूरल हम बनाते हैं उसमें ई एस एड हो जाता है। जैसे कि देखो गैस, गैस में पीछे एस आ रहा है तो इसमें प्लूरल कैसे बनेगा इसका, गैसेस, ई एस लग जाएगा। ऐसी ब्रश, एस एच आ रहा है, ब्रशेस, प्लूरल। बेंच, सी एच आ रहा है, बेंचेस। ठीक है, ब्रांच, ब्रांचेस, चर्च, चर्चेस, डिश, डिशेस, एस, एसेस, क्लास, क्लासेस, ड्रेस, ड्रेसेस, फॉक्स, फॉक्सेस। ठीक है, नाउन्स दैट एंड इन वाई फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द वाई इनटू आई एस। अब देखिए कुछ नाउन ऐसे जिनके पीछे वाई लगा होता है उनका जब प्लूरल हम बनाते हैं तो वाई को हटा के हम आई ई एस लगा देते हैं। जैसे कि आर्मी, आर्मी का प्लूरल क्या होगा, आर्मीज, वाई हट गया, आई एस लग गया। फैमिली, फैमिलीज, हट गया, आई एस लग गया। बेबी, सिटी, सिटीज, ड्यूटी, ड्यूटीज, पोनी, पोनीज, पार्टी, पार्टीज, रिप्लाई, रिप्लाइज, कंट्री, कंट्रीज, स्टोरी, स्टोरीज। ठीक है, बट नाउन्स दैट एंड्स इन वाई हैविंग अ वोवल बिफोर देम फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। अब देखिए कुछ केस में क्या होता है कि अगर वाई से पहले कोई वोवल आ रहा है सिंगुलर में, वोवल मतलब ए, ई, आई, ओ, यू अगर आ रहे हैं तो उसमें y को नहीं हटाएंगे हम, आई एस नहीं लगाएंगे, उसमें y के साथ s ऐड कर देंगे। जैसे कि वे, y से पहले a आ रहा है तो देखिए इसमें वे आई एस नहीं लगा y हट के, इसमें y के बाद s लग गया। बॉय, बॉयज, चिमनी, स्टोरी, स्टोरीज, एसे, एसेज, टॉय, टॉयज, डे, डेज, वैली, वैलीज। ठीक है, Nouns that ends in F or FE form their plural by changing F or FE into VES. अब देखिए कुछ सिंगुलर नाउन जिनमें F और FE लगा होता है लास्ट में
उनमें जब प्लूरल बनाया जाता है तो उसका एफ और एफ ई हटा के वी ई एस लगा दिया जाता है, ठीक है, उसमें वी ई एस ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि देखिए, काफ, गाय के बच्चे को कहते हैं काफ, काव्स, काफ, स्काव्स, हाफ, हाफ्स, शेल्फ, शेल्व्स, नाइफ, नाइव्स, थीफ, थीव्स, लीफ, लीव्स, वाइफ, वाइव्स। अब देखिए, कुछ ऐसे होते हैं एफ और एफ ई लगा होता है पीछे नाउन में सिंगुलर फॉर्म में, उनमें प्लूरल अगर बनाना होता है तो हम सिर्फ एस लगा देते हैं। ब्रीफ, ब्रीफ्स, चीफ, चीफ्स, जिराफ, जिराफ्स, गल्फ, गल्फ्स, रूफ्स, रूफ, रूफ्स। नाउन्स दैट एंड्स इन ओ फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। अब देखिए, ऐसे नाउन जिनके पीछे ओ लगता है उनका प्लूरल बनाने बनाते हैं हम, तो उसमें पीछे एस लगा देते हैं। बेम्बू, बेम्बूज, डायनेमो, डायनेमोज, हिप्पो, हिप्पोज, फोटो, फोटोज, पियानो, पियानोज, राइनो, राइनोज, ठीक है। आगे देखिए, इन सम नाउन्स दैट एंड्स इन ओ फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई। अब देखिए, कुछ ऐसे भी होते हैं नाउन सिंगुलर जिनके पीछे ओ लगा होता है लेकिन जब हम उनका प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस ना लग के ई एस लगता है। जैसे कि बफेलो, बफेलोज, मैंगो, मैंगोज, पोटैटो, पोटैटोज, टोर्नेडो, टोर्नेडोज, वॉल्केनो, वॉल्केनोज, कार्गो, कार्गोज, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगोज, हीरो, हीरोज, ठीक है। बट सम नाउन्स दैट एंड्स इन ओ फॉर्म देयर प्लूरल ईदर बाय एडिंग एस और ई एस टू द सिंगुलर। अब देखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि ओ में खत्म होते हैं, उनमें आप एस भी लगा सकते हैं, ई एस भी लगा सकते हैं। जैसे कि बफेलो, बफेलोस या बफेलोज, मॉस्किटो, मॉस्किटोज या मॉस्किटोज। सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग द इंटरनल वॉवल्स। अब देखिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल बनाया जाता है तो उनके अंदर के जो स्पेलिंग में जो वॉवल्स होते हैं उनको चेंज कर लेते हैं वो। जैसे कि देखो, फुट मतलब एक पैर, फुट, फीट प्लूरल हो गया उसका, गूज, गीज, मैन, मैन, माउस, माइस, टूथ, टीथ, वुमेन, वुमेन, क्लियर है। अब देखिए, कुछ के प्लूरल में बनाने के लिए हम ई एन या आर ई एन ऐड कर देते हैं, जैसे कि चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सिन, क्लियर। सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। अब देखिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, बिसन, बिसन, डियर, डियर, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, रेनडियर, रेनडियर, शीप, शीप, इनका सेम ही रहता है। सम कंपाउंड नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल डिफरेंटली। अब कंपाउंड नाउन्स होते हैं जो अपना प्लूरल कुछ अलग ही तरीके से बनाते हैं, जैसे कि फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, मदर, मदर इन लॉज, पासर बाय, पासर्स बाय, स्टेपसन, स्टेपसन्स, वॉशरमैन, वॉशरवुमैन, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, ठीक है। सम नाउन्स हैव ओनली प्लूरल फॉर्म। और कुछ नाउन्स देखो ऐसे होते हैं इनके प्लूरल फॉर्म ही होते हैं बस, जैसे कि बाइनोक्यूलर, सीजर्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, प्लायर, सनग्लासेस, टोंग्स, नेम ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स और गारमेंट्स एटसेट्रा, ड्रॉर्स, पायजामाज, जीन्स, शॉर्ट्स, पैंट, ट्राउजर्स। सम नाउन्स आर स्पेल्ट एंड स्पोकन लाइक प्लूरल, हैव सिंगुलर मीनिंग। अब देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगेंगे लेकिन होते सिंगुलर हैं, जैसे कि सिविक्स, बिलियर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़,
ये दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर ही हैं। अब हम पढ़ेंगे नाउन ऑफ जेंडर, मतलब मैस्कुलिन फेमिनिन, मेल फीमेल। अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ एनी मेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन। अब देखिए, कोई नाउन अगर किसी मैन का, किसी मेल पर्सन को बता रहा है या किसी एनिमल को बता रहा है तो उसको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, जैसे कि बॉय, मैन, अंकल, बुल, रैम, ठीक है। अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ एनी फीमेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। अब किसी फीमेल पर्सन का नेम या कोई ऐसा वर्ड जो हम फीमेल के लिए यूज करते हैं या किसी फीमेल एनिमल के लिए यूज करते हैं तो वो फेमिनिन जेंडर कहलाता है, जैसे कि काओ, ठीक है, आंट, वुमेन, गर्ल, ईव। अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ अ लाइफ लाइन इज सेड टू बी द न्यूट्रल जेंडर। अब देखिए, नाउन जो कि लाइफलेस चीज है, मतलब जिनमें कोई जान नहीं है, उनके लिए कोई यूज किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? उन्हें न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। जैसे कि कोई चीज में बेजान चीज हो गई, बुक हो गई, टेबल, डेस्क, मोबाइल, कॉपी, पेन, ये सब, ठीक है। A noun that is a name of person or animal that may be either male or female is said to be a common gender. अब देखिए, कुछ nouns ऐसे होते हैं जो कि male के लिए, female के लिए, दोनों के लिए use किए जा सकते हैं, तो वो होते हैं common gender, ठीक है। जैसे कि parents, ये father भी हो सकते हैं, mother भी हो सकते हैं, fowl, cock भी हो सकता है, hen भी हो सकता है। Feminine कैसे बनाया जाएगा? Formation of feminine of nouns. There are three ways of forming the feminine of noun. तीन तरीके हैं इसको बनाने के। Some feminine nouns are formed by changing the word as ठीक है, कुछ का क्या करते हैं, वर्ड चेंज कर दिया जाता है। कैसे हैं देखिए वो वर्ड्स, बॉय गर्ल हो गया, सिस्टर, बुल, कॉक, हैन, ठीक है, ये मैस्कुलिन जो मैन के लिए, मेल के लिए, ये फीमेल के लिए यूज किए जाने वाले हैं, ठीक है। मैस्कुलिन मतलब जो भी यूज किए जाएंगे और फेमिनिन सारे फीमेल, ठीक है, बॉय का गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, बुल, काओ, कॉक, हैन, ड्रेक, डक, फादर, मदर, विजर्ड, विच, एंड वाइफ, किंग, क्वीन, लॉर्ड, जेंटलमैन या लेडी, मैन, वुमेन, अंकल, आंट, हॉर्स, मेयर। सम फेमिनिन नाउंस आर फॉर्म्ड बाय ई डबल एस टू द मैस्कुलिन। अब देखिए, कुछ ऐसे होते हैं कि मैस्कुलिन में ई डबल एस लगा के फेमिनिन बन जाता है, जैसे कि ऑथर, ऑथरेस, हेयर, लेपर्ड, लायन, लाइनेस, पियर, पियरेस, पोएट, प्रीस्ट, प्रीस्टेस, शेपर्ड, बट इन दिस ई डबल एस इज आफ्टर ड्रॉपिंग ऑफ द मैस्कुलिन एंडिंग, ठीक है। किसी में क्या क्या होता है, लास्ट का वर्ड्स होता है वो ड्रॉप कर दिया जाता है वोवल, जैसे कि देखो एक्टर में ओ है वोवल, उसको हटा दिया जाएगा और ई डबल एस लग जाएगा, जैसे कि एक्टर, एक्ट्रेस, देखो यहाँ पे ओ हट गया ना बीच में से, कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, एम्परर, एम्प्रेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, वेटर, वेट्रेस, देखिए यहाँ से ई हट गया, ई हट गया इसका, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सम फेमिनिन्स आर फाउंड बाय चेंजिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर इन द मैस्कुलिन फॉर्म। अब देखिए, कुछ फेमिनिन किस तरह बनाए जाते हैं कि जो मैस्कुलिन होता है उसमें वर्ड चेंज कर दिया जाता है, तो उसके पीछे वर्ड लगा दिया जाता है कोई,
या उसके आगे, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, यहाँ पे वर्ड जुड़ गया देखो आगे, लॉर्ड लैंडलेडी, यहाँ पे लैंड, पीकॉक पी हैन, यहाँ पे पी लग गया आगे, यूज ऑफ कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर किस तरह यूज होते हैं और कहाँ होते हैं, समटाइम वी यूज अ कॉमन एनिमल एंड स्पेशल फॉर इट्स मेल एंड फीमेल, कभी कभी क्या होता है कि हम एनिमल्स के जो मेल फीमेल्स होते हैं उनके लिए अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, और कभी कभी कॉमन वर्ड यूज कर देते हैं दोनों के लिए, पर ये कॉमन काम आता है, इसीलिए बुल काओ, डॉग बिच, डक डक, गेंडर, शीप, ईव ईव, स्वान, कॉप, पेन, ठीक है, ये कॉमन वर्ड है जो कि हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं और ये अलग अलग बात करते हैं। यूज ऑफ पर्सनल नाउन टू रेफर जेंडर, अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन यूज किया जाता है जेंडर को रेफर करने के लिए, वो भी अलग अलग होते हैं, जैसे के लिए ही, हिम और आप यूज कर, हर्स फेमिनिन के लिए यूज करते हैं, इट इट इट्स वन के लिए, दे देम देयर, ठीक है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन रेफरिंग, अब देखिए यहाँ पे हमें वर्ड्स दे रखे हैं, सेंटेंसेस दे रखे हैं, इसको रीड करते हैं समझते हैं। माय एल्डर ब्रदर लिव्स इन चेन्नई, ही ऑफन विजिट्स जयपुर टू मीट मी, मेरा ब्रदर है वो चेन्नई में रहता है और वो कभी कभी मुझसे मिलने आता रहता है। आई हैव अ सिस्टर, शी गेव हर अ बुक टू रीड, मेरी एक सिस्टर है वो स्टूडेंट है और मैं उसको बुक भी पढ़ने के लिए। माई आंट इज अ लैंड लेडी, मेरी लैंड लेडी है, लैंड लेडी कौन होती है, मकान मालकिन। दिस फार्म हाउस इज ए फार्म हाउस, उन्हीं का है। आवर अंकल हैज अ पैट डॉग, हमारे अंकल के पास एक पैट डॉग, ही लव्स इट वेरी मच, और वो उसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपने ही यूज हुआ, हर्स यूज हुआ है आंट के लिए, ही यूज हुआ है अंकल के लिए, हर शी यूज हुआ है सिस्टर के लिए, ही यूज हुआ है ब्रदर। चलिए एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन, यहाँ पे इनकी प्लूरल फॉर्म लिखनी है आपको, ठीक है। शी पेगा यहाँ पे देख के आप लिख सकते हैं, देखिए शीप, शीप, स्पेस, स्पेसेस, सैंडविच, सैंडविचेस, एटलस, एटलसेस, स्टोरी, स्टोरीज, हिप्पो, हिप्पोस, बुकशेल्फ, बुकशेल्फ्स, इको, इकोस, राइनो, राइनोस, गूस, गी, टॉर्नेडो, टॉर्नेडोज, मैन, मैन, माउस, माउस, ऑक्स, ऑक्सन, स्वाइन, स्वाइन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, वाइफ, वाइव्स, मॉन्की, मॉन्कीज, मास, मासेस, ब्रश, ब्रशेस, ये कलेक्ट कर लीजिएगा। एक इको होता है, ठीक है, और शीप का पी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉलोइंग सेंटेंसेस सिंगुलर टू द प्लूरल, इन सेंटेंसेस को सिंगुलर प्लूरल बनाना है, ठीक है। चलिए, ही वाज वेयरिंग अ वॉच, तो क्या बनेगा, द लेडीज वर वेयरिंग Ladies were wearing the wrist watches. My brother likes so very much. My brother
likes tomatoes very much. A potato vegetable. वेजिटेबल है द पोटैटोज आर वेजिटेबल्स द चीफ लिव्स दिल्ली तो क्या बन जाएगा इसका द चीव्स लिव इन दिल्ली दैट बॉय वर्क्स हार्ड वो बॉय परिश्रम करता है Those boys work hard. वे लड़के hard work करते हैं. The lives in its nest. जो bird है अपने nest में रहते हैं. तो plural क्या बनेगा? The birds live in its nest. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अब फेमिनिन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. अब इनकी फेमिनिन फॉर्म लिख ठीक है चलिए लिख चलिए देख लेते हैं. हीरो हीरोइन सन बॉय ही गोट शी हॉर्स मेयर शेपर्ड पीकॉक पीहेन ब्राइडग्रूम ब्राइड एम्परर एम्प्रेस मॉन्क नन ड्रेक डग विक्सन फॉक्स आंट विजर्ड विच मिल्कमैन मिल्क वुमेन ऑथर ऑथरेस लॉर्ड लेडी नेफ्यू नीस हायर हायरेस मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं. री राइट द फॉलोइंग यूजिंग नाउन pronouns of the gender. ठीक है इन sentences को complete करना है nouns और pronoun use करके. Lion killed the daughter of a washerman. ठीक है इसमें क्या आएगा? The lion killed the son of a washer woman. ठीक है चलिए मैं कंप्लीट कर देता हूँ सारे फिर हम डिस्कस करेंगे. चलिए मैंने फिल कर दिए हैं सारे मैं चेक कर लेते हैं. द लायन किल्ड द डॉटर वॉशरमैन. लायन ने वॉशरमैन की डॉटर को मार दिया तो उसका क्या बनेगा? द लायन किल्ड द सन डॉटर का सन हो गया ऑफ अ वॉशर वुमेन मैन का वुमेन हो गया. ही इज अ गुड डॉक्टर ही ट्रीट्स हिज पेशेंट वेल वो बहुत अच्छा डॉक्टर है अपने पेशेंट्स को बहुत अच्छे से देखभाल करता है. She is a good doctor. वो बहुत अच्छी डॉक्टर है. She treats her patients well. अपने patients की अच्छी से देखभाल करती है. Your aunt the maid servant. हमारे जो aunt है उन्होंने आपकी जो maid servant है नौकरानी है उसको चेतावनी दी. इसका क्या बनेगा? Your uncle warned the man servants. हमारे अंकल ने जो man servant है जो नौकरानी को चेतावनी दी. A widower is one who has lost his wife. Widower कौन होता है? जिसने अपनी wife को खो दिया है. और इसका क्या बनेगा? A widow is one who has lost her husband. और widow वो होती है जिसने अपने husband को खो दिया है. Fifth, the bridegroom was an old man riding on a white horse. जो दूल्हा था वो एक old man था जो कि white horse पे हुआ था. का क्या बनेगा? द ब्राइड वॉज एन ओल्ड वुमेन राइडिंग ऑन अ व्हाइट हॉर्स.
जो ब्राइड को दुल्हन कौन थी, वो एक ओल्ड लेडी थी जो कि घोड़े पे घोड़े व्हाइट घोड़े पे सवार थी। ठीक है, यहाँ कंप्लीट हो गया है, बुक वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, सारा नोट काम रहेगा आपको सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप में। हम मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक आप इसे कंप्लीट करिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।